और वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आपको लग रहा होगा मैं इतनी खुश क्यों, तो हम थोड़ा सा चिल वाले मूड में हैं और हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। सब नीचे जाके बैठ चुके हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गई इंट्रोडक्शन शूट करने के चक्कर में, बट अब बिना किसी देरी के जल्दी चलते हैं। कम तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं एंड अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे वार्म अप चल रहा है। कोई मुंबई में कहीं खेल रहा है, कोई कहीं कर्नाटका में खेल रहा है। हम कहते थे यार जो हमारे घर के आसपास नहीं है क्या कुछ ऐसा, बिल्कुल रैंडम ऐसा था कि मतलब हम सोचा था हमने कि वीडियो खत्म हो जाएगी तो हम क्रिकेट खेलने जाएंगे एक दिन, पर आज जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं था। रात में सडनली ऐसा प्लान बन गया, जगह मिल गई, सब कुछ हो गया। आज देवेश की जो किल्लियां उड़ेंगी। कुछ प्रोडक्शन नहीं है वो हम आज कैद करेंगे कैमरे में। बस हमारे दो टीम मेंबर्स और आ रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे टॉस और आज ना प्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आज एक प्लेयर हूँ। 6 पे 6 छक्के। विरोधी टीम को धूल चटानी है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच आज। मुझे लग रहा है ये मुझे मिडिल मैन बना देंगे। वो एक होता था ना बंदा जो दोनों टीम के साइड से खेलता था। टीम बता दो टीम क्या है। ठीक है, टीम ए में है हमारे, टीम पाकिस्तान में है हमारी, टीम इंडिया, टीम ग्रीन तू होगी ऑस्ट्रेलिया। चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ब्रो इंडिया फिर हम है इंडिया। ये टीम ए वर्सेस टीम बी कर लो। ठीक है चलो चलो 1 2 3 गो। अरे हेड आया, कोई नहीं होता। अरे खड़ा खड़ा है भाई, खड़ा खड़ा। अरे टेल है भाई, टेल है। क्या करना पड़ेगा ये यार भाई, तुम तो ऑस्ट्रेलिया ही हो, तुम तो चीटिंग नहीं होने देंगे। ऑस्ट्रेलिया भाई कोई नाइस टॉपिक चल रहा है। आईडिया टेल भाई, ये अरे हां टेल है भाई, टेल है। चलो भाई हेड इट इज, चलो हेड और हम लेंगे बैटिंग। तो टीम ए बैटिंग जीते हुए ओपनिंग में उतरे हैं ध्रुव और बॉलिंग करा रहे हैं देवेश वाइड। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स तीन बॉल बहुत दिन हो गए हैं खेले हुए। तीन बॉल हो गए, तीन बॉल। और ये राजेश बैटिंग फील्ड पे, ओ मुझे लगता है महेश ये वाइड फेंकेगा। और ओ माय गॉड, और अब बैटिंग फील्ड पे शिवम शर्मा। विकेट लेते हुए चल भाई, ले तू तेल में हाथ घुमा के नहीं डाल रहा, ले एक रात 12 मर्डर, फिर भी किसी को पता नहीं चला। राजेश को बैटिंग नहीं आती, राजेश भाई चौके छक्के मार रहा है, महेश किल्ले पड़ रहा है। महेश की आवाज मैक्सिमम आज सुनी है मैंने कि यहाँ तक भी आ रही है। सोफे नहीं पता वहाँ कर क्या रहे तू, जब पीछे नेट लगा हुआ है तो मजा आया। एडम एप्पल पे लग गई। गो राजेश।
मैंने जानबूझ के जीरो बॉलिंग डाली थी ताकि सामने वाली टीम कुछ रन बना सके। अब अच्छा थोड़ी लगेगा तुम्हें 5 रन का टारगेट मिले। ले चौका, खत्म हो चुका है तो अब हम जा रहे हैं बॉलिंग पे और टीम बी जो की है देवेश की वो जा रही है बैटिंग पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो टीम बी की बैटिंग आ चुकी है, बॉलिंग पे है शिवम शर्मा और बैटिंग पे है देवेश पांडे। सो लेट्स सी। अरे वो अपन आप गिर गए भाई। नहीं आपका बैट लगा है। कैमरे में चेक कर लो भाई। नहीं नहीं ये आउट नहीं है। सात लोग कह रहे हैं कि विकेट विकेट चल खेल ले खेल ले खेल ले खेल ले ये गलती नहीं लेकिन आउट मानते हैं। जीतेंगे चिंता मत। We will see. 2 seconds later. क्या बोला था बेबी? Not out है, not out. क्या बोला था? हवा नहीं लगेगी भाई, हवा नहीं लगेगी, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, जान मुझके जीता है कुछ नहीं भाई। श्रीशांत वो ये रखा गया है कि शिवम भाई जीत गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पता ही है। फिर मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ कि हम ही जीतेंगे ये मैच। ऑल्दो मैंने इसमें कुछ ऐसा खास किया नहीं है, स्टिल बॉल 1 रन के साथ भाई घर पे बात हो रही थी कि छक्के मारेंगे ये मारेंगे वो मारेंगे। किल्ला चल भाई किल्ला। हारोगे तेरे मुंह में ये चक्कर कुछ नहीं तेरे मुंह में करेला। तीसरी बॉल और ये एंड इट्स अ विकेट। क्या कहोगे क्या कहोगे तू भी डाल लियो ना ऐसे क्या कहोगे गिराना चाहते क्या? तो 22 रन से टीम स्वैगर जीतते हुए गाइस हम जीते कैसा लग रहा है? मजा आ गया भाई कसम से। शुरुआत में जब महेश ने बॉलिंग डालनी स्टार्ट की थी तो लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, पर फिर 44 रन का हमने लक्ष्य दिया जिसमें राजेश ने खेली बढ़िया पारी और फिर बॉलिंग मैंने करा दी ठीक ठाक। राजेश ने भी अच्छी कराई। आधे राजेश ने एक बार को तो सेट कर दिया था मोमेंटम हारने का हमारे। पहली बॉल पे छक्का खाया, दूसरी बॉल पे चौका खाया तो मैं लगा भाई हो गई पूरी मेहनत खराब, लेकिन फिर राजेश ने जो भट्टा दिखाई अपनी फिर भट्टा से कर दी राजेश ने गेम। हाँ। तो ये बताओ कि तुम्हारे लाइफ का सबसे फनी मोमेंट क्या है क्रिकेट के टर्म्स में? झांसी में रहते थे हम कैंट में, हम पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे स्कूल से आके। स्कूल से आए खाना खाते हुए कोची का हमें देखा, उसके बाद फिर एक आधे घंटे के लिए सो गए, उठ के तुरंत 4 बजे चले गए क्रिकेट खेलने और खेला कितने बजे तक कम जब तक बिल्कुल आखिरी बॉल लगनी ना शुरू हो जाए कि अब दिखनी बंद हो गई है। तो ऐसे ही हम खेल रहे थे, 4-5 घंटे हो गए थे खेलते हुए। पहली बार पूरे दिन में नाली में गई बॉल और मेरी बारी थी उठाने की, मैंने जैसे ही नाली में हाथ देखा डाला पीछे मेरे पापा खड़े आ गए आगे मारते हुए लेके गए भाई घर मारते हुए। बता बता जल्दी हेड या टेल भाई? हेड देख लो हेड। बताओ क्या लोगे भाई? बैटिंग बैटिंग आजा बोला फिर आजा बैटिंग पे आजा। इस बार टीम बी यानी कि टीम भोला जीती है और इस बार इन्होंने बैटिंग ली है तो लेट्स गो। पता मेरे को स्टोरी बता। मेरा वो था फनी मोमेंट क्या बोलते हैं, एक बार मैं पहन के चला गया ढीली निक्कर जल्दबाजी में, 10th के बोर्ड खत्म हुए थे मेरे, बच्चों ने बोल दिया आजा 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 क्रिकेट खेलने जल्दी आ भाई जल्दी आ, मैंने पैंट उतारी पहन ली ढीली निक्कर भाई ग्राउंड में पहुंचा चौका मारा किसी ने मैं भागा मेरी निक्कर उतर गई मैच रुक गया सब हंसने लग गए जोर जोर से जोर जोर से शेम शेम तो हो गया। मैंने वो पहना हुआ था ना अंदर से बॉक्सेस पहने हुए हैं बट स्टिल कहां की बातें कहां पे ये है त्रिपुरा। तो दूसरा मैच स्टार्ट करते हुए भाई जा ओपी बैट्समैन है भोला, रनिंग पे है महेश और बॉलिंग करा रहे हैं शिवम शर्मा। एनर्जी ड्रिंक ले लिया है ठीक है तो पहला मैच हार के आपको सुकून नहीं मिला? अब ये वो पहला मैच हमने जानबूझ के झोली में डाला था। तीन बॉल खुल जाएगा ना? रन कितने हैं? जीरो। तीन बॉल 0 रन। स्वेट एंड वॉच। और ये तीसरी बॉल
जी 10 रन ओवर कितने हुए ओवर दो बॉल हुई है तो बंदे का मन था कि छह के लिए बैट उठा दे पर विकेट के लिए ये सरासर चीटिंग उधर ले जाओ कि उधर ले जाके रो बैट से लग के बॉल पकड़ना ये सरासर चीटिंग आपको ही पता है बिल्कुल भाई बिल्कुल अच्छा ब्रेक याद है कितने टारगेट मिला है हमें 33 34 बनाने हमें ओपनिंग कर रहे हैं बिल्कुल चलो ओके अबे क्या हो जाएगा इससे रन आउट जो होता है ना भाई सबसे बुरा आउट होता है मतलब वो वाली चीज़ है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो और वो चीट कर ले आप कि आपकी कोई गलती ही नहीं है टच टच फिर कैसा फील हो रहा है चीट हो गया बहुत बुरा यार दिल टूट गया यार मैं सोच रहा था मैंने सोचा था मैं 5 बॉल पे 5 चौके मारूंगा ओ यार ये भी सीख गया भाई बढ़िया हो गया 2 रन हो गए राजेश के साथ दिक्कत बस ये है कि हर बॉल फर्स्ट बाउंस है उसको भोला दिखा के महेश से इसको भोला दिखाया और महेश दे दिया बॉलिंग ये वो वाली चीज हो गई राजपाल यादव को वो दिखाई थी क्या नाम रूपा दिखाई थी उसको और फिर पीछे से पहलवान आ गया विनर चिकन डिनर विनर चिकन डिनर मैंने एक बार आंसर किया आंख में ना बॉल मार दी अभी लास्ट लॉकडाउन पे हम खेल रहे थे तो हम बिल्कुल मतलब जैसे हमारे घर के सामने पार्क था वहाँ पे गए आपने मतलब और वहाँ पे ना बोलू वो बैटिंग कर रहा था और मैं फील्डिंग कर रही थी मैं साइड में खड़ी थी मैंने ऐसे किया इसने ऐसे किया क्या जैसे वो बॉल निकल गया बट मैं रोई नहीं मैं घर गई मैंने नींबू पानी पिया इन्होंने मुझे बोला कि तू मत खेल तू रेस्ट कर ले शुरू के 5 मिनट ऐसे थी है मैं तेरे बॉल पे छक्का भी मारा था मैंने तेरे को बोल्ड भी किया था बोल्ड तुम्हें को ऐसा कम मत समझना मैंने तेरे को आउट किया है और मैंने तेरे को छक्का भी मारा हां मारा होगा मैंने करा दी होगी अच्छी सी बॉल तो फाइनली टाइम की कमी की वजह से अब ये लास्ट मैच है जो हम खेलने वाले हैं ये डिसाइडिंग मैच है और क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए हम 3-3 ओवर का खेलने वाले हैं एंड हमारी पहली बैटिंग है हम टॉस जीत चुके हैं एंड लेट्स सी कि कौन जीतता है इसके रन थोड़ा चेंज कर देंगे आखिरी ओवर में ये चौका है हमसे जो 2 है चौका 6 और 15 रन ठीक है 6 भाई ध्रुव भाई अच्छा खेला पर तो हमने 51 रन का टारगेट दिया है इनको 52 रन से जीतने के लिए और बैटिंग पे उतरे हैं महेश
पकड़ लियो ठीक है मैं आज एक प्लेयर हूँ छह पे छह छक्के तो गाइस फाइनली मैच खत्म हो चुका है क्या आप जाना चाहते हैं कि विनर कौन है गेस करना मुश्किल होगा आई थिंक नीचे करो हाथ गेस करना मुश्किल होगा द विनर इज विनर विनर चिकन डिनर विनर विनर चिकन डिनर रगड़ दिया रगड़ रगड़ा ऐसा कुछ नहीं है गाइस चलो गाइस तो फाइनली ये था हमारा क्रिकेट का व्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज बहुत सारे व्यूज दे दो इसके ऊपर फिर दोबारा खेलने आएंगे अपन तो खेलने तो हमें आना ही है पर हम व्लॉग तब बनाएंगे जब आप बहुत सारा प्यार दोगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू वेरी सून बाय बाय